गुड इवनिंग एवरीवन, अभी शाम के 8 बज रहे हैं और हम लोग ग्वारी घाट आए हुए हैं क्योंकि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो कहीं मंदिर जाना था जो कि सुबह से हम पहुंच नहीं पा रहे थे, तो हम यहाँ नर्मदा जी के पास आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, तो जो इसका मेन रूट है जहाँ से हम हमेशा से आते हैं वहाँ पर चेकिंग लगी हुई है, मतलब वहाँ पर वहाँ से गाड़ियाँ नहीं आने दी जा रही है, तो फिर गाड़ी को पीछे वाले रास्ते से लेके यहाँ पे आके पार्क किया, फिर अभी नदी के पास जा रहे हैं। चलो मोटू पापा गए, पपी काटा रास्ता, बताओ क्या करना। ग्वारी घाट का वो एरिया जहाँ पर आरती होती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ इस तरफ ही, मतलब जहाँ गाड़ी पार्क की है उसके पास ही हम दर्शन कर रहे हैं। सुंदर पानी है, एकदम नहाने वाला। अच्छा सुंदर पानी क्या हो गया पानी कैसे सुंदर हो गया भैया, आना पड़ेगा दिनों नहाने के लिए। चलो आज कुछ हुआ है, आज वो कपड़ा वपड़ा भी बंधा है पूरा वाला, ये दिख रहा होगा, ये पूरा बंधा हुआ है ऐसे कपड़ा वगैरह। हाँ अच्छा, हाँ वो उसी की बंधी हुई होगी पूरी। ज्यादा देर नहीं रुके हैं ग्वारी घाट में हम लोग, क्योंकि बस दर्शन करके निकल गए, क्योंकि डिनर भी करना है, 10 बजे बंद हो जाएगा रेस्टोरेंट, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं ताकि वहाँ आराम से दर्शन, मतलब थोड़ा डिनर वगैरह में टाइम स्पेंड कर पाएं। ये वाला एरिया बुक्ड है रेस्टोरेंट का, हम अभी दरबार आए हुए हैं डिनर करने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ से बुक्ड है तो फिर हम ये सामने वाला जो मेन रोड वाला एरिया है यहाँ से भी इनका गेट है, तो फिर वहाँ से जा रहे हैं अंदर। हाँ चेंज कर दिया, इंटीरियर डिफरेंट कर दिया इनका, वो राजस्थानी लोग इज गुड। दरबार का जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, जब मैं लास्ट टाइम आई थी अराउंड 2-3 महीने पहले तो ये पूरा राजस्थानी लुक में था, जो कि मुझे पर्सनली मतलब ज़्यादा बेटर लगता था, पर अभी ये एकदम डिफरेंट हो गया है, ऐसे समझ भी नहीं आ रहा है कि अच्छा है वही दरबार है। लाओ मैं फोटो ले लेती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी के साथ, बता दूँ और क्या। आज यहाँ दरबार में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहे हैं, जैसे उस तरफ वाला पूरा एरिया तो बुक है, वहाँ पार्टी हो रही है, यहाँ पीछे भी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर ना मतलब ऑलमोस्ट हर टेबल में मैंने अभी केक कटता हुआ देखा है जब मैं एंटर कर रही थी, तो केक तो नहीं कटना है खाना नहीं हो पाएगा क्यों काटने के बाद है। नहीं नहीं, वी विल मैनेज, थैंक यू। हमने ऑर्डर किया है वेज सिडलर, तंदूरी रोटी, रोस्टेड पापड़ एंड यस दाल तड़का, जो कि मुझे पसंद है। हमने बस इतना ही ऑर्डर किया है क्योंकि दिन में भी हमने काफ़ी खाया है, आपने लास्ट व्लॉग में देखा, तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है, अगर बाद में लगा तो फिर राइस भी ऑर्डर कर ली। मेरा काफ़ी मन था केक कट करने का, लेकिन मुझे बोला गया कि कट तो हम कर लेंगे लेकिन खाना तुम्हें पूरा अकेले पड़ेगा, तो फिर मैंने खुद को समझा लिया कि नहीं नहीं कट करना है।
लोगों को लग रहा था मैं इनकी फोटो ले रही हूँ, पर मैं व्लॉग बना रही थी। कितना चेंज कर दिया है ना दरबार बाहर से। अगर कोई जो पहले दरबार गया है वो ये व्लॉग देख रहा है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये लुक पसंद आया या जो पहले लुक था वो पसंद है। कहाँ पे है? बस अभी थोड़ा सा आगे। कहाँ जा रहे हैं? गोल घुमा के वापस उस रोड पे, जिस रोड पे थे। कहाँ जाना? उस तरफ जाना, पान खाने जाने। पान कहाँ से लाऊं मैं? यहीं कहीं दिखेगा, आप देखना पान तुमको। देख रहे हो आप, खाने से ज्यादा पान इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी डिनर करके निकले हैं और अब बस पान ढूंढ रहे हैं क्योंकि मम्मी को पान खाना है। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे भी पसंद है एक्चुअली। हम लोगों को ऐसे डिनर वगैरह के बाद पान खाना बहुत अच्छा लगता है, तो बस अब वही तलाश जा रही है कि हमें बस पान मिल जाए कहीं। पान 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 है कि तू ले ले दोनों एक साथ बने। एक मिनट रुक जाओ, हम खाने पहले से गाड़ी चलाना। अच्छा क्यों, अगर बच्ची देख रहा तो वो दिखी नहीं। अच्छा है, नहीं मिली, नहीं तो मेरे को नाक में जलन हो जाती। अरे रात में काटते हैं तुमको नाक में, तो कल कर बंद था ना इसलिए। आज भी शाम को कुर्सी बैठा था तो हो रहा था वो। पान निकालो ना, लाइट चला के देखो। लाइट चलाना है। ये कैसा पान है? अच्छा दो पान है। दो पान बहुत बड़े पान है तो कुछ। पान की पार्टी, पान की पार्टी नहीं, खाने के बाद पान खाते हैं हम। गीला क्यों है ये? ठंडा, फ्रिज से निकाल के दिए होंगे ये अंकल। चॉकलेट नहीं खाना था मुझे। पान पान। आ गए हम लोग होटल से खाना वगैरह खा के और बस आज का दिन ऐसे ही था। आप लोगों ने देखा, सबकी प्लान कुछ किया था, फिर चेंज हो गया, फिर चेंज हो गया, लेकिन एट द एंड इट ऑल वेल कि सब सही था। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन यस, बाय बाय, एंजॉय एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।